हेलो गाइस, राधे राधे कान्हा किचन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम करवा चौथ स्पेशल चावल के बर्फी बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए चावल के बर्फी बना लेते हैं। कच्चे चावल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दिया है, गैस का फ्लेम कर लेते हैं ऑन। आप कढ़ाई में डालेंगे एक चम्मच के करीब देसी घी। ये जो रेगुलर वाला चम्मच होता है खाने वाला गैस, उसी चम्मच से मैंने एक चम्मच घी लिया है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें हम चावल डालेंगे। ये चावल ना गैस मैंने साफ़ करके लिया है, यानी कपड़े से बढ़िया से पोंछ के इसका जो पाउडर डस्ट वगैरह था उसे मैंने हटा दिया है। फिर मैंने लिया है ये चावल जो आप डेली घर पे बनाते हो, दाल चावल बनता है, बस वही चावल है गाइस। कोई इसमें वो नहीं है कि आपने कोई सा चावल, कौन सा चावल लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके घर में पड़ा होगा चावल, उसी से आप इस बर्फी को बना सकते हो। तो चावल को हमें क्या करना है, बढ़िया से भून लेना है गाइस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि धीमी आँच पर आप चावल को भूनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाएंगे। हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन क्या होता है जो रेगुलर बनाते नहीं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। कहीं ना कहीं चावल जला देते हैं, कहीं ना कहीं चावल कच्ची रह जाती है। तो इससे ये होता है ना गाइस कि आपकी जब बर्फी बनेगी ना तो वो स्वाद नहीं देगा। धीमी आँच पे जिसे जितना अच्छा इसे भूनेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी ये बर्फी लगेगी। और ये देखिए चावल की जो कलर है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं कलर चेंज करना है, बिल्कुल परफेक्ट मैंने इसे भून लिया है धीमी आंच पे। इसे अब भूनोगे ना तो अच्छा कलर पाओगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा बर्फी का। तो गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। अब इसे हमें क्या करना है, प्लेट में निकाल लेना है। सारे चावल को हमें प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा करना है, पूरी तरह से हमें ठंडा नहीं करना है। बस हमें क्या करना है, चावल को हमें निकाल लेना है। तो सारे चावल को मैंने निकाल लिया है, इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, ध्यान रखना है हल्के हल्के से कुनकुने रहेंगे तभी हमें इसे पीस लेना है। तो ये देखिए जब ठंडी हो गई थी, हल्के हल्के से कुनकुने गर्म है, तो अभी हमें क्या करना है, ग्राइंडर जार लेना है। ग्राइंडर जार में सारे चावल को डाल लेना है। अब एक चीज़ और इसमें हम डालेंगे गाइस, पहले पूरे चावल को हम डाल लेते हैं ग्राइंडर जार में। तो लीजिए मैंने सारे चावल को डाल लिया है। अब यहाँ पर लेंगे तिल, जो तिल होता है देसी तिल, जो भी हो आपके पास तिल, वो आप क्या करें 1/4 कप के करीब तिल ले लीजिए। कच्चा तिल मैंने लिया है गाइस, कोई भुना हुआ तिल मैंने नहीं लिया है। अब कच्चे तिल के साथ मैंने चावल को अच्छे से पीस लिया है ग्राइंडर जार में, और देख सकते हो बिल्कुल बारीक मैंने पीसा हुआ है। अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने वापस से वही कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब देसी घी। ये जो रेगुलर वाला चम्मच मैंने लिया था गाइस, इसी चम्मच से मैंने आधी चम्मच लिया है देसी घी। घी को अच्छे से गर्म होने देना है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट काट के लिए हैं, जैसे इसमें काजू, बादाम और थोड़े से सूखे हुए नारियल को लंबे स्लाइस में मैंने काट के ले लिया है। अब इन तीनों को बढ़िया से हमें भून लेना है, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, कलर वगैरह चेंज नहीं करना है। बस हमें क्या करना है, डाल के कुछ सेकेंड के लिए भून के हमें निकाल लेना है। और यहाँ पर लाइट गांव में ना गाइस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है, आती है जाती है, बहुत ही ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम होती है। और जब मैं बना रही थी कई बार, ये मतलब कोई रेसिपी बनाने जाओ उसी समय लाइट कट जाती है ना, तो बहुत गुस्सा लगता है। और ये देखिए चावल को अब क्या करना है, जितना भी ड्राई फ्रूट मैंने भुना था उसे निकाल लिया, उसी कढ़ाई में चावल को डाल के बढ़िया से भून लेते हैं। इसलिए आपको भूनना है क्योंकि मैंने चावल वैसे भी भूना था और तिल मैंने कच्चा ही डाला था, कच्चे ही चावल मैंने पीसा था, इसी वजह से कच्चा फ्लेवर ना लगे और चावल के साथ ये अच्छे से भुन भी जाएगा और बढ़िया से इसकी खुशबू भी आने लगेगी गाइस। और इतना ही भुनना है कि तिल की अच्छी से खुशबू आने लगे, ज़्यादा हमें नहीं अब भुनना है कि स्वाद बिगड़ जाए तिल का, बस इतना ही भुनना है कि चावल और तिल अच्छे से भुन जाए। तो इसे हमें बढ़िया से भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए, और धीमी ही आंच पे इसे भूनिएगा गाइस, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत भूनिएगा, धीमी ही आंच पे भूनिएगा। तो चावल जो हमारी है काफ़ी अच्छे से भून चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया, इसे निकाल लेते हैं थाली में। अब यहाँ पर लेंगे एक ट्रे, जिस ट्रे में हमें बर्फी को जमाना है उसे हम ग्रीस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक केक टिन है, आप थाली भी ले सकते हो, जो भी आपके पास हो उसमें आप घी को अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। और चावल को मैंने निकाल लिया है, देख सकते हो। अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने वापस से वही कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में डालेंगे 1 कप के करीब मैंने चीनी लिया है, 1/2 कप हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे क्योंकि इसे हमें कैरमल करना है चीनी को। और जिन्हें कैरमल पसंद नहीं है चीनी, तो क्या करें, इस जगह आप दूध को 1.5 कप दूध लेकर उसमें आप चीनी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर
चीनी हम डाल के इसे कैरमल कर ले रहे हैं। और ये देख सकते हो चीनी हमारी कैरमल हो रही है, लेकिन आप कैरमल करके बर्फी बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमें ज़्यादा कैरमल नहीं करना है कि बहुत ही ज़्यादा डार्क कर दोगे या खारा कर दोगे ना तो इसका जो कड़वापन आने लगता है गाइस तो उसका स्वाद बहुत ही ख़राब लगता है। बस हमें क्या करना है, चीनी को ज़्यादा हमें गलाना नहीं है। बस इस स्टेज पे देखिए चीनी हमारी अच्छी खासी मतलब कैरमल हो चुकी है, पूरी तरह से कैरमल भी नहीं हुई है, बस हल्की हल्की से पिंक नज़र आ रहे हैं। बस हम इसमें क्या करना है, इसे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, ज़्यादा डार्क कर देंगे तो खारापन लगने लगेगा। तो इसमें आप डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध लिया है, बफेलो मिल्क का इस्तेमाल किया है, 1.5 कप के करीब मैंने दूध लिया है। पहले मैंने 1 कप डाला है, फिर ये 1/2 कप मैंने डाल दिया है। और दूध को बढ़िया से इसे चीनी के साथ घुला लेना है। अभी तो चीनी कुछ इस तरह से देखो कैरमल करने के बाद कुछ इस तरह से चीनी लगने लगती है, तो इसे हमें पूरी तरह से गलाना है, यानी दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना है इसे, चीनी को पूरा गल जाएगा, बिल्कुल एक भी दाने नहीं रह जाएंगे, इतना हमें गलाना है। और जो मैंने चीनी बचा के रखा था गाइस 1/2 कप, उसे भी हमें डाल देना है। तो यहाँ पर बचा हुआ भी चीनी हम डाल देते हैं और इसे बढ़िया से हम चीनी को गला लेते हैं दूध के साथ। और ये देख सकते हो पूरी जो मैंने कैरमल किया था चीनी, वो अच्छी ढंग से पूरी तरह से घुल चुकी है दूध के साथ। अब इसमें हमें कोई भी एक भी कण नज़र नहीं आ रहे हैं चीनी के, तो बस हमें क्या करना है, अब जो मैंने पीस के रखा था चावल और तिल को जो मैंने भून के रखा है, उसे हमें डाल देना है। ये देखिए चावल को पूरा हमें डाल के इस तरह से मिक्स करते जाना है। और ये देख सकते हो पूरी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे चलाते रहेंगे, ये फटाफट गाढ़ा भी होता जाएगा, ध्यान रखिएगा धीमी ही आँच पे इसे हमें पकाना है। बीच बीच में आप इसे हाई फ्लेम भी कर सकते हो, बीच बीच में लो फ्लेम पे भी करके इसे पका लेना है अच्छे तरीके से। और ये देखिए मिनटों में ये गाढ़ा होने लगता है। तो जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डालने के बाद इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है, थोड़ा सा और ड्राई हो चुका है। तो इसमें एक चीज़ और डालेंगे गाइस, इसमें हमने घी वगैरह नहीं डाला है, इसकी वजह से मैं मलाई डाल रही हूँ, जो घर की ताज़ी मलाई होती है गाइस, बस उसे हमें डाल देना है। 3 से 4 चम्मच डाल दीजिए, बहुत ही सॉफ्ट आपकी बर्फ़ी बनेगी, बिल्कुल मावे जैसी बर्फ़ी बनेगी गाइस, ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। तो इसमें मैंने कोई मिल्क मैट नहीं डाला है, ना मिल्क पाउडर डाला है, ना ही मावा डाला है। तो मलाई आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मैंने घी का भी ज़्यादा प्रयोग नहीं किया है। आप जब मलाई मैंने डाला था तो मलाई को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। तो इसे हमें और भूनना है, बिल्कुल हमें थिक कर लेना है, बिल्कुल डो के फॉर्म में हमें कर लेना है इसे। और ये देखिए जैसे जैसे भूनता जाएगा ना कढ़ाई में नाश्ता जाएगा, बिल्कुल ये देख सकते हो ये बढ़िया से डो के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर लाइट बहुत दिक्कत कर रही है गाइस, बहुत ही आ रही थी जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। और ये देखिए बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है। तो मैं गैस का फ्लेम कर दे रही हूँ बंद। अब इसे फटाफट हम ट्रे में निकाल ले रही हूँ और इसे बढ़िया से फैला लेते हैं, चिकना कर लेते हैं। तो सारे ट्रे में इसे फैला लेना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मैंने चिकना कर लिया है। इसमें थोड़े से जो मैंने ड्राई फ्रूट भून के रखा है इसे हमें डाल देना है। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे हमें फरचूला से अच्छे से दबा देना है, कटोरी हो या फरचूला हो जो भी आपके पास हो उसे अच्छे से दबा देना है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आपसे मिलते हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है और लाइट भी आ चुकी है और ये बढ़िया से सेट भी हो चुका है। तो इसे हम कट कर ले रहे हैं, तो जो बगल बगल से बढ़िया से हम कट मार्क लगा दे रहे हैं। पहले हमें ऊपर से अच्छे से कट मार्क लगा देना है, फिर नीचे हमें, क्योंकि मैंने जो ड्राई फ्रूट थोड़े से लंबे में डाल दिए ना गाइस, इससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी काटने में। तो थोड़ा संभाल के ही काटिएगा, थोड़े से ड्राई फ्रूट हटा हटा के काटिएगा, मैं तो ऐसे ही काट दी थी। तो पहले ऊपर से हम काट लेते हैं फिर नीचे, क्योंकि ड्राई फ्रूट की वजह से इसमें अच्छे से कटिंग नहीं हो पा रही है, मतलब काट रहे ना तो बहुत दिक्कत हो रही है। कट लगाने के बाद मैंने नीचे से भी अच्छे से दबा के काट लिया है और ये बढ़िया से कट भी काट लिया हूँ। और ये दिखा रही हूँ, बीच से मैं निकाल के दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हमारी ये बर्फी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस। और ये देखिए इसे मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल थिक नहीं बना है, यानी कि कड़क नहीं बना है, बिल्कुल सॉफ्ट बर्फी, जैसे मावे की बर्फी होती है ना गाइस, उसी तरह से मैंने बनाया है। हमने सारे प्लेट में निकाल लिया है और कुछ इस तरह से हमारी बर्फी लग रही है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो इस करवा चौथ पे आप इस चावल की बर्फी को ज़रूर बनाइएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये बर्फी कैसी लगी गाइस।
चावल की बर्फी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।